जंगल का राजा माने जाने वाला शेर का टकराव जब पानी के दरिंदगी जानवर माने जाने वाला क्रोकोडाइल के साथ जब होता है तो किस प्रकार के मंजर उत्पन्न होता है? अर्थात जब शेर और क्रोकोडाइल आपस में लड़ते हैं, बल प्रदर्शन करते हैं, द्वंद्व युद्ध करते हैं, तो जंगलों के बीच किस प्रकार के दुर्दशा उत्पन्न होते हैं? ऐसे ही ऐसे वीडियो क्लिपों से भरा हुआ है यह वीडियो, जो बेहद ही भयानात्मक युक्त वीडियो में से एक वीडियो है। जैसा कि इस क्लिप में दिखाया जा रहा है, एक क्रोकोडाइल ने धरती पर इधर उधर भ्रमण कर रहे थे। तत्पश्चात उस स्थान पर स्थित लाइनों के ग्रुपों ने उसे चारों ओर से घेर लेता है और उस पर आक्रमण करने की कई प्रकार से कोशिश करते रहते हैं। और उस लाइनों के ग्रुपों में से जो बब्बर शेर होता है उस पर अटैक बोल देता है और अटैक के फलस्वरूप कुछ इस प्रकार से अपने चंगुल से चपोटते रहते हैं और वे अपना पराक्रम दिखाते हुए उस क्रोकोडाइल को अपने मुखों के द्वारा उसके पैर को पकड़ते हुए घसीटते हुए बाहर की ओर खींचने लगते हैं और वह क्रोकोडाइल अपना पराक्रम दिखाते हुए जल के अंदर प्रवेश करने की कोशिश में लग्न रहते हैं। और इसके फलस्वरूप बब्बर शेर ने शांति दिमाग से होते हैं। तत्पश्चात वह बब्बर शेर ने उस स्थान से चले जाते हैं। तत्पश्चात उस स्थान पर स्थित शेरनियाओं ने उस क्रोकोडाइल पर अटैक कर देता है और अटैक के फलस्वरूप वह इतना ज्यादा फुर्तीली अवस्थाओं में वह क्रोकोडाइल ने जल के अंदर स्थित हो जाते हैं। तत्पश्चात सभी शेरनियाओं का अटैक नहीं कर पाते हैं और वह क्रोकोडाइल बेहद ही आसानी से बच पाते हैं। जैसा कि इस वीडियो क्लिप में दिखाया जा रहा है, एक क्रोकोडाइल ने झाड़ियों के बीच स्थित रहता है। तत्पश्चात उस स्थान पर स्थित भूखे लाइनों के ग्रुपों ने उस क्रोकोडाइल की ओर बढ़ने लगता है और उसे अपने चंगुर में चपेटने की कई प्रकार से कोशिश में लग्न होते हैं। और लग्न के फलस्वरूप एक लाइन ने उस क्रोकोडाइल को झाड़ियों से बाहर निकालने के लिए गड्ढा खोदना शुरू कर देता है और गड्ढा खोदने के फलस्वरूप वह क्रोकोडाइल ने इस प्रकार के क्रियाकलापों को देखते हुए बेहद ही भयानक अवस्थाओं में हो जाता है और कुछ इस प्रकार से बल प्रदर्शन करता है कि वह क्रोकोडाइल झाड़ियों से बाहर निकल आते हैं। और क्रोकोडाइल को झाड़ियों से बाहर निकलने के फलस्वरूप सभी लाइनों के ग्रुपों ने उस क्रोकोडाइल पर अटैक कर देता है और अटैक के फलस्वरूप उसे दबोचने लगते हैं चंगुरों से और अपने जबड़ों से। और दोनों के पराक्रमों के फलस्वरूप वह क्रोकोडाइल ने कुछ इस प्रकार से अपना चंगुर को चपेटते हुए कुछ अपने मुखों को कुछ इस प्रकार से घुमाते हैं कि सभी लाइनों के ग्रुपों ने अधिक से अधिक भयभीत हो जाते हैं और उस स्थान से अधिक तीव्र गति से भागते हैं। भागने के फलस्वरूप वह क्रोकोडाइल ने अति तीव्र गति से जल में स्थित हो जाते हैं और अपना जीवन चक्र बचाने में सफल होती है। एक क्रोकोडाइल के बेबी ने जल से बाहर आकर के भ्रमण कर रहे होते हैं। तत्पश्चात उसके आसपास स्थित एक लाइन ने उस पर अटैक कर देता है और इतना अधिक तीव्र गति से अटैक करता है कि वह क्रोकोडाइल के बेबी ने अति तीव्र गति से भाग नहीं पाते हैं और उस लाइन के चंगुर में चपेट आ जाते हैं। तत्पश्चात उस क्रोकोडाइल की मृत्यु हो जाता है और वह लाइन ने उस क्रोकोडाइल को अपने मुखों में चपेट लेती है। तत्पश्चात वह लाइन ने उस क्रोकोडाइल को अपने मुखों में शामिल करते हुए अति तीव्र गति से भागते हैं। फिर लाइन के दो साथी ने उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। एक बब्बर शेर ने बड़े क्रोकोडाइल को कुछ इस प्रकार से चंगुर में चपेटते हुए दबोचते हुए पकड़े हुए है और उसके आसपास लाइनों के ग्रुपों ने उसके आसपास भटक रहे हैं और वह क्रोकोडाइल उस बब्बर शेर के जबड़ों से कई प्रकार से बचने की कोशिश करते हैं परंतु वह बच नहीं पाते हैं। ना बचने के फलस्वरूप में सभी लाइनों ने और बब्बर शेरों ने उस क्रोकोडाइल को मृत्यु के घाट उतारते हुए अपने भोजन में शामिल कर लेते हैं और बेहद ही मनमोहक तरीके से उसे के घाट उतारते हुए भोजनार्थमक युक्त हो जाते हैं।